Hi everyone, welcome back to our channel. I'm Maya, injection lagwane gingo gingi ke. हम चलते हैं, हमने रहना ही नहीं है यहाँ पे। हमने तो चले गया ना, हम क्यों रहे यहाँ पे, है ना। हम चलते हैं, घर चलते हैं, कि वो भी चल रही है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। सब बहुत अच्छे से हूँ। एक्चुअली यार, मैं ना ये वाली वीडियो अपडेट कर रही हूँ आपको। आपने देखा ही है, आगे मैंने दिखाया आपको कि एक्चुअली मैंने इनकी ना वैक्सीनेशन करवाई है। तो मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए हुए हैं, मैंने उनका रिप्लाई नहीं कर पाई मैं, क्योंकि ना इसको दोनों को इंजेक्शन लगते हैं। तो इसको लगा है DPT जो लगता है, हमें सबको बचपन में लगा ही, आप हम सबको पता ही होता, पेन होती है थोड़ी, उसमें फीवर आता है एक्चुअली। तो वो इसको पहले, वैसे ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना ना, गॉड गिवन है ये चीज़ उसके लिए। वो ढीला हो जाता है बहुत जल्दी, जब उसके इंजेक्शन लगता है तभी वो ढीला ढीला सा हो जाता है बस। लेकिन ये मेरा बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये रात को भी अपना सब खेल रहा था, वो सो गया ना, ये खेल रहा था, ये 10:30 तक ये खेला, अच्छे से सो गया। लेकिन फिर एकदम से मैंने इसको क्रोसिन भी दे दी, डॉक्टर ने बोला था कि दोनों को दे देना, लेकिन फिर पता नहीं अचानक से इसके पेन हुई होगी। और ये 1:30 उठा और ये बहुत रोया, मतलब एकदम, तो मुझे तो ऐसे लगा कि मैं कहीं ले के चले इसे किसी डॉक्टर के पास। ये कॉन्टिन्यूसली आधा घंटा पौना घंटा ये रोता ही रहा, और इतनी बुरी तरह, क्योंकि ये नहीं रोता, एक बच्चा होता है ना वो रोता है, उसको हर चीज़ पे रोना है, खाने पे, रोने, खेलने में, हर चीज़ में, नहाने में, हर चीज़ में उसको रोना होता है, वो उसका अपना नेचर है। ये बिल्कुल नहीं रोता, ये शांत है एकदम। लेकिन कल हम रात को हम बहुत डर गए, और आज हम सुबह भी लेट उठे हैं। मैंने का सोचा कि मैं अपडेट कर दूं, एक्चुअली मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और मुझे मैसेज आए भी हुए थे, मैंने 2-3 वीडियो भी अपनी बनाई हुई है, मैं इसको भी एडिट नहीं कर पाई, आपको पता ही है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि, क्योंकि देखो ये वाली वीडियो मैंने कोई एडिट तो करनी नहीं है, ये मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे जो मैंने शूट किया है तो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। मैं कभी भी अपना व्लॉग इतना एडिट वगैरह नहीं करती, नॉर्मली जो भी मैंने बनाया अभी तक तो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा मैं अपडेट कर दूं, क्योंकि वैसे मेरे सारे ही सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं, कभी भी मैं किसी ने ना मुझे कोई भी शिकायत नहीं की कि आप ऐसे, 100 में से कोई एक आध बंदा होता है जो भी मुझे नए जुड़ते हैं, जो भी हैं, किसी को मैं कह दूँ ना कि प्लीज़ आप वेट कर लो, तो सभी लड़कियाँ रिप्लाई करने में, सिर्फ कोई मंत्र पूछता है या कुछ पूछता है तो मैं उसको कहती हूँ प्लीज़ यार थोड़ी देर वेट कर लो, मैं अभी करती हूँ आपको, तो सभी मुझे, सभी वेट करते हैं। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, आप अपनी वेट कर रहे होंगे कि आपकी, मुझे मॉक टेस्ट के लिए वीडियो मैं बनाई हुई है, मैंने वो अपलोड करनी थी। एक्चुअली मेरा वो जो सबसे पहला, मुझे IVF से पहले जो मेरा सबसे पहला टेस्ट हुआ था उसकी मुझे वीडियो बनाई हुई है, वो मैंने अपडेट करना था, सॉरी वीडियो अपलोड करनी थी, वो नहीं मैं कर पाई। तो प्लीज़ आज अगर हो सका तो मैं करूँगी, नहीं तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहना, और इंस्टाग्राम पे जिसका, जब भी मुझे टाइम मिला ना मैं तभी सबके रिप्लाई कर दूँगी।
क्योंकि यही वजह है, ये ठीक नहीं है थोड़ा। आई होप आप समझ सकते हो, है ना कैकी। नैनू अभी कुछ खा नहीं रहा था, मैंने बिस्किट दिया, मैंने कहा जो खाता है वही खाए बस, बच्चे को यही होता है कि कुछ ना कुछ जाना चाहिए। तो आई होप आप समझ जाओगे आज कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही और क्यों नहीं अपलोड कर रही, इंस्टाग्राम पे भी रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। तो चलिए मिलती हूँ आपको अपनी अगली किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज हम ऐसे ही आ गए तो चलिए जी, ओके बाय बाय बाय, सबको बाय कर, बाय बाय बाय।